नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज की स्वतंत्रता दिवस की राइड शुरू हो चुकी है और हम जा रहे हैं लोकेशन पर बाईपास। तो आज स्वतंत्रता दिवस की राइड होने वाली है सभी साथियों के साथ में, काफ़ी दिनों के बाद जाना हो रहा है। तो चलिए लोकेशन पर मिलता हूँ आपको, तो बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको आनंद आएगा आज। चलो भैया, राइड्स ऑफ राइडर्स की यात्रा शुरू। तो मित्रों, राइड हो चुकी है शुरू। तो दोस्तों, ये देखो राइड्स ऑफ राइडर्स का काफिला बढ़ते हुए। और दोस्तों देखिए, काफिला पहुंच गया है हरी भरी वादियों के बीच, तिरंगे झंडों के साथ स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए पूरे देशवासियों को, हिंदुस्तान के, विश्व के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और ये देखो आप, कितना शानदार नज़ारा है। तो मित्रों, काफिला हो गया है शुरू और हमने कर दी है चढ़ाई शुरू। चंदा मामा सोरे सुरचा चुजाए पवन चक्की, पवन चक्की, पवन चक्की आ गए भैया। कितनी सारी पवन चक्की दोस्तों, आपने देखी है पवन चक्की? दूर दूर से देखी होगी। तो मित्रों, लोकेशन पर पहुंचने के बाद सारे साथी लोग यहां पे एंजॉय कर रहे हैं अपने अलग अलग मोमेंट्स। दिखाता हूं आपको आसपास की लोकेशन, ये देखिए आप। ये देखो, हम पवन चक्की इतने नज़दीक पहुँच गए और नज़दीक जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं। ये वही पवन चक्कियाँ हैं जो आप भोपाल इंदौर रोड से गुजरते हैं तो आपको बाईपास से दिखती है। ये सारी पवन चक्कियाँ वही है। जी हाँ दोस्तों, देश को आज़ाद हुए 75वां वर्ष है। तो ये देखिए आप सभी, तिरंगे लेकर हमारे सभी साथी राइडर्स इस ट्रिप पर आए हैं और हमारे देश का तिरंगा कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका मान सम्मान हमेशा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है
और इसी उद्देश्य के साथ आज हम ये जो राइड कर रहे हैं, एक तिरंगा यात्रा के रूप में भी कर रहे हैं और एक जागरूकता का संदेश भी दे रहे हैं, यूनिटी को लेकर दे रहे हैं। तोमर साहब है। अरे नहीं, तो नाम बदल दिया। एक हिंट बताता हूँ आपको, अभी हमारे YouTube पे मात्र 317 सब्सक्राइबर है, जिसमें से एक ये भी है। हमारे वीडियो की तारीफ कर रहे थे, तो तोमर साहब बताओ क्या अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है जो जो देखते हैं, बाकी जो नहीं देखते वो भी अच्छा लगता है। एक खास बात और है, ये मेरे एक बचपन का दोस्त है देवेन तोमर जी, हूबहू ये उसकी फेज 2 कॉपी है। इनके फोटो मैं उसको भेजता हूँ, हाँ। और वो इनके फोटो अपने फेसबुक पे डाल देता है, उसको लाइक मिलते हैं, बोले यार कहाँ घूम रहा है तू। सुनिए, मजेदार बात ये है कि ये तो दोस्तों वाली बात हो गई, फिर उसने क्या करा कि वो फोटो अपने बच्चों को दिखाया जी, तो दोनों बच्चे कहते हैं कि पापा आप बुलेट से कहाँ घूम रहे हो। मतलब आप देखिए किस तरह की स्थिति है कि बच्चे भी अपने पापा को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो तोमर साहब एक बात बताओ, इसमें अंकल कोई ट्रक रख चलाते थे क्या पहले? नहीं नहीं पता नहीं। दोस्तों ये BMW की 1250 वो बाइक है जो हर राइडर का ख्वाब होता है कि उसके पास ये बाइक हो, क्योंकि ये टूरर एडवेंचर बाइक है। और हमारे बड़े भाई हैं जिनके बाइक है, आपको मिलवाता हूँ। भैया आपने नई बाइक ली है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इस बाइक को लेकर? बहुत सही रहा, इंदौर से पचमढ़ी ऐसे लगा देवास आया हूँ बस। अरे वाह गजब, ऑसम है कंफर्ट। कितना समय हो गया आपको लिए ये? 35 दिन। 35 दिन, और कितना चल रही है अभी इस पर? 2500। क्या बात है, 35 दिनों में 2500 किलोमीटर चल लिए हैं। और ये हमारे ग्रुप की पहली 1250 है शायद, जहाँ तक मुझे याद है ना? Yes. इसके अलावा नहीं है ना अपने ग्रुप में? ट्रम्प टाइगर है, लेकिन BMW 1250 जो एक लॉन्गेस्ट बाइक है, और BMW की इससे बड़ी कोई बाइक नहीं है टूरर एडवेंचर, तो जो हर राइडर का एक ख्वाब होता है कि उसके पास में ये बाइक होना चाहिए। और आज ही इससे जा रहा हूँ लॉन्ग राइड पे डायरेक्ट लोनावला। सीधा यहाँ से। क्या बात, उज्जवल भैया हैं जो यहाँ से अभी एक स्वतंत्रता दिवस की जो हमारी राइड है इसको कंप्लीट करके यहाँ से सीधे लोनावला के लिए जा रहे हैं। तो चलिए उज्जवल भैया, शुभकामनाएं आपको, हैप्पी जर्नी। और मित्रों वही हुआ जिसका डर था कि GoPro हमारा जो है अब काम नहीं करेगा, क्योंकि GoPro का माउंट टूट गया। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये निकल के हाथ में आ गया। और ये हमारे राइडर साथी हैं एडवोकेट राइडर के नाम से, जिनकी आईडी आप देखते होंगे, नीलय वर्मा जी। तो नीलय भैया की सोसाइटी है जहाँ पे सारे राइडर्स को अभी बुलाया गया है राइड के बाद, और सभी लोग हम यहीं पर आए हैं। तो ये देखिए किस तरह से राइडर्स का सम्मान किया जा रहा है। तो दोस्तों ये देखिए सोसाइटी में पहुँच गए हैं हम, और ये हमारे नीलय वर्मा जी की सोसाइटी है। वेलकम हो रहा है सारे राइडर्स का। सभी का ताली बजती रहनी चाहिए जब तक सभी पधार रहे हैं। आप देखिए आपके बीच में कहीं सभी बाइक राइडर्स पधार रहे हैं, हम सभी का ताली बजाकर स्वागत करते रहिए। मुझे जब यहाँ का पता पड़ा कि यहाँ पे हम लोगों को बुलाया गया है, बड़ा अच्छा लगा। और आप लोग जैसे कि आप देख चुके हैं हम लोग की बाइक्स बाहर हैं, हम लोग अंदर से लेके आए हैं उसमें। आपको कुछ बोलना चाहूँगा मैं कि काफ़ी लोग, काफ़ी बच्चे मोटरसाइकिल्स देख के जो है क्रेज़ी हो जाते हैं। हम लोगों के लिए मोटरसाइकिल, जब हम बाइक चलाते हैं तो हमारे लिए इसका पर्याय ही जो है आज़ादी है, फ्रीडम है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव, हेक्टिक लाइफ होती है, और उसको हम रिलैक्स करने के लिए हम लोग जो है राइड करते हैं। बाइक पे लग गया दोस्तों, समोसा, पोहे, जलेबी और फिंटा, जीरावन रह गया। पार्टी हो रही है यहाँ पे, और ये हमारे राइडर साथी नीले भैया के तत्वधान में है पूरा आयोजन, और अमित भैया के। आया आया लाऊंगे बाटन लो। अभी आपको गिलास से काम नहीं चलेगा। लेमन चलती नारंगी नहीं। और दोस्तों एक और आपदा आ गई है, आपको बताऊंगा तो आप भी हंसोगे। दरअसल पिछले 45 किलोमीटर से मैं गाड़ी को बिना क्लच के चला के आ रहा हूँ,
जो घाट आपने देखा था घाट उतरने के बाद से ही, और उसका कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्लच वायर जो है वो टूट गया। ये देखो आप, ये जो क्लच वायर है पूरी तरह से टूट गया है। अब गाड़ी को धक्का देके स्टार्ट करनी पड़ेगी, और अब चलिए लेकर चलता हूँ इसको ये कहीं भी गैरेज पर, और वहाँ पर ले जाते हैं और उसको ठीक करवाते हैं। तो चलिए मिलता हूँ गैरेज पर आपको। तो दोस्तों कहानी ये है जो मैं आपको बता रहा था कि पिछले 40 किलोमीटर पहले ये क्लच वायर टूटा था। ये देखो अब ये भाई हमको मिले हैं, इनका गैरेज है, यहाँ पे क्लच वायर चेंज कराते हैं इसका। और ये शॉट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरे जो मोबाइल से मैंने बनाए हैं, तो ये हाईवे पे गाड़ी चल रही है बाईपास पे और क्लच पूरा टूटा हुआ है। ये देखिए आप जो आप शॉट देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, और ये भाई हैं, अब इनकी मेहरबानी है, बुलवाई तो है केवल, इन्हें बदल देंगे। तो चलो बदलवा लेते हैं इसको। तो मित्रों अपनी धन्नो हो गई है रेडी, वो खड़ी धन्नो सामने, और ये हमारा काना भाई है। बहुत बहुत धन्यवाद काना भाई, काना भाई ने जो हमारी 40-45 किलोमीटर दूर की जो मुश्किल थी उसको आसान कर दिया है, और उसकी क्लच की पूरी केबल ही डाल दी है। तो अब धन्नो को लेके जाता हूँ घर पे। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, ब्लॉग को भी यहीं एंड करता हूँ मैं, क्योंकि मेरा GoPro का माउंट टूट गया है। आपको पता है कि मैं हेलमेट पे भी GoPro लगा नहीं पाऊँगा, ब्लॉगिंग कर नहीं पाऊँगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।